अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, तो आज देखते हैं क्या होती हैं प्रीफिक्सेस। यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं ताकि हमें बकायदा पता चल जाए। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ कि प्रीफिक्सेस, व्हाट इज मीन बाय प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। इनकी सबसे पहले तो डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, प्रीफिक्सेस की द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसए यूनिट्स, ऐसे अल्फाज या हरूफ जिनको ऐसे यूनिट से पहले अजाफी तौर पर लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात करें तो ये क्या है, वर्ड्स हैं और लेटर्स हैं, वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसे यूनिट्स, जो कि ऐसे यूनिट से पहले अजाफी तौर पर लगा दिए जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्सेस का, द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसे यूनिट्स। ऐसे यूनिट से पहले जो चीजें हम लोग लगाते हैं वो क्या कहलाती है, प्रीफिक्सेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये प्रीफिक्सेस बताते हैं तो दो कॉम्बिनेशन वर्ड से लिया गया है। अगर हम इसको गौर से देखें तो एक है हमारे पास प्री, अगर हम इसको देखें तो एक है प्री और दूसरा है फिक्सेस। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं कि प्री, प्री किसको कहा जाता है और दूसरा है फिक्स, मतलब फिक्स कर देना, फिक्स किसको कहा जाता है, प्री कहा जाता है पहले को, प्री हम लोग इसको बोलते हैं पहले को, और फिक्स कर देना मींस एक ऐसी चीज जिसको हम लोग अपनी जगह से मिला नहीं सकते, जिसको हम अपनी जगह से मूव नहीं करवा सकते, गैर मुतहरिक होती है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है, फिक्स कर देना मीन, दूसरे लफ्जों में हम उसको कह देते हैं किसी अपनी जगह से हम लोग इसको मिला नहीं सकते। तो ये कॉम्बिनेशन है प्री का और फिक्स का। तो इसे अगर हम जनरली देखें तो इससे क्या मुराद होगा, प्रीफिक्स से मुराद होगा पहले फिक्स कर देना। प्रीफिक्स से क्या मुराद होगा, जी पहले फिक्स कर देना। अगर हम डेफिनेशन पे देखें, वर्ड्स और लेटर्स हैं, क्या है, वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसए यूनिट, जिनको हम लोग एसए यूनिट से पहले लगा देते हैं। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इसकी बेशुमार एग्जांपल्स वहां पे टेबल में दी हुई है, लेकिन कुछ हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने स्केल के ऊपर कुछ यूनिट्स पढ़ते हैं, होते हैं सेंटीमीटर, सीएम लिखा होता है, और एक हम पढ़ते हैं मिलीमीटर, एमएम लिखा होता है। अक्सर हम लोग मैथ्स के जो यूनिट डिस्कस करते हैं वो होते हैं केजी, वो भी हम लोग यूज करते हैं जी। और उसके बाद अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो वहां पे हम लोग कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि पावर के यूनिट क्या होते हैं, मेगा वाट, जैसे कि एम और डब्ल्यू साथ में हम लगा देते हैं। वाट क्या है, पावर के यूनिट है, साथ में एफ लगा दिया। और इसी तरह अगर एक और वर्ड यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ वो है जी एमपी। एमपी का तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर कोई भी अगर हम लोग फाइल देखते हैं तो उसका जो साइज हमें शो होता है वो केपी के अंदर शो हो रहा होता है, एमपी के अंदर शो हो रहा होता है और जीबी के अंदर शो हो रहा होता है। अब अगर बेटा हम लोग गौर से देखें तो ये जो एम है ना, ये है मीटर, और ये मीटर किसके यूनिट होते हैं, लेंथ के यूनिट होते हैं। ये जो मीटर है ये किसके यूनिट है, लेंथ के यूनिट। तो हम कह सकते हैं लेंथ के जो यूनिट है एसआई यूनिट्स वो क्या है, मीटर है। अब एसआई यूनिट से पहले हमने क्या लगाया है, सी, स्मॉल सी, दैट मींस सेंटी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटी। और सेंटी क्या है, प्रीफिक्स, सेंटी क्या है, प्रीफिक्स है। तो अगर हम डेफिनेशन को दोबारा से देखें, वर्ड्स और लेटर्स, ये क्या है बेटा, लेटर है। हम लोगों ने वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट, जो कि एसआई यूनिट से पहले लगा दिया, वो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो एम है ये भी मीटर है, जिसको हम मिलीमीटर के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है, मीटर है हमारे पास। अब मीटर किसके यूनिट होते हैं, अगेन अगर हम देखें तो ये लेंथ के ही यूनिट होते हैं, और लेंथ के एसआई यूनिट है, लेंथ के ही एसआई यूनिट है मीटर। अब मीटर को लेंथ के एसआई यूनिट है, साथ में क्या अटैच है, यहां पे सेंटी था, ये क्या है, मिली। तो फिर सेंटी और मिली क्या होंगे, प्रीफिक्सेस होंगे, सेंटी और मिली क्या होंगे, प्रीफिक्सेस। थर्ड वाला एग्जांपल है कि जी, अगर हम देखें तो बेटा ये ग्राम को शो कर रहा होता है, मास के यूनिट है ग्राम, अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, ग्राम। और ग्राम किसके यूनिट होते हैं, मास के यूनिट होते हैं, मास के यूनिट हम कह सकते हैं ग्राम होते हैं। तो अगर मास के जो यूनिट है वो ग्राम है तो ये के क्या है, के बेटा प्रीफिक्सेस है, जिसको किलो कहा जाता है, के क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स है, जिसको हम लोग किलो के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को डिस्कस करें तो यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है कैपिटल डब्ल्यू, जिसको वॉट कहा जाता है। अब वॉट क्या है, पावर के यूनिट है, वॉट क्या है जी, पावर के यूनिट है। यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ, ये हमारे पास वॉट आ जाता है, ये किसके यूनिट है,
पावर के यूनिट है। पावर के जो ऐसे यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पावर के जो यूनिट है वो क्या है, वॉट है। पावर से पहले जो कैपिटल एम है ये क्या है, ये मेगा है। ये क्या है जी, मेगा। और मेगा क्या है, मेगा अगेन प्रीफिक्सेस है। इनको मजीद आगे जाके डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सेंटी, मिली, किलो और मेगा। अब लास्ट वाला एग्जांपल है हमारे पास एमए लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास बी है ना, ये बाइट्स को शो करता है। और ये किसके यूनिट होते हैं, मेमोरी के यूनिट होते हैं। किसके यूनिट होते हैं, मेमोरी। मीन कोई भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है उसकी मेमोरी अगर हम लोग देखें तो वो बाइट्स में हम लोग शो करते हैं, बाइट्स के अंदर। और अगर हम देखें तो ये किसके यूनिट है, मेमोरी के है, स्टोरेज के है। हम कह सकते हैं ये मेमोरी के यूनिट्स है। किसी भी चीज को अगर हमने कंप्यूटर में स्टोर करना हो, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर स्टोर करना हो, तो किसमें करते हैं, बाइट्स के अंदर। और साथ ही से पहले जो कैपिटल एम है ये क्या है, ये भी हमारे पास जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था मेगा वॉट, ये क्या है, मेगा बाइट। ये क्या हमारे पास, मेगा बाइट। अब इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी डिस्कस किया यहाँ पे कि ये जो हमारे पास पहली चीजें लिख दी गई हैं, ये सेंटी है, ये मिली है, ये किलो है, ये मेगा है और ये भी मेगा है। ये सारे की सारे क्या है, प्रीफिक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर हम देखें ना सेंटी, तो सेंटी इसका जो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ सेंटी, और ये वाला क्या है, मिली है, इसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, ये मिली आ गया। और ये क्या है जी, किलो, इसका भी हमने नाम लिख दिया, किलो आ गया। और ये क्या है मैम, मेगा, कैपिटल है, जिसको हम लोग मेगा के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा जो सेंटी है, ये जो मिली है, ये जो किलो है और ये जो मेगा है, अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग जीबी कर देते हैं ताकि सेम एग्जांपल्स ना हमारे पास बन जाए, यहाँ पे हम लोग इसको जीबी लगा देते हैं। आपने केबी के नाम से भी फाइल का साइज देखा होगा, एमबी के नाम से भी फाइल का साइज देखा होगा और जीबी के नाम से भी फाइल का साइज देखा होगा। तो ये जो जी है ये कहलाता है जी गीगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, गीगा। तो बेटा ये जो सेंटी, मिली, किलो, मेगा, गीगा, ये सारे के सारे क्या है, प्रीफिक्सेस है। इनको हम लोग नाम देते हैं प्रीफिक्सेस का। अब अगर हम गौर से देखें, अगर हम इनको मजीद डिस्कस करना चाहें तो हमारी बुक का जो पेज नंबर 7 है उसके ऊपर अगर हम जाएं, पेज नंबर 7 के ऊपर वहां पे एक छोटा सा टेबल बना हुआ है। छोटा तो खैर नहीं है, ब्लू कलर का टेबल है 1.3 के नाम से। वो सारी की सारी एग्जांपल्स है प्रीफिक्सेस की, वो सारी की सारी एग्जांपल्स दी हुई है। कुछ उसमें से कुछ हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसा कि वहां पे पूरा का पूरा टेबल जो है वो क्या है, एक्सा है, पीटा है, टेरा है, गीगा है, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेक्टो है और ऑटो है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स है प्रीफिक्सेस की। उसमें इनके सिंबल्स भी दिए हुए हैं टेबल के अंदर और साथ में इनकी वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब वैल्यू से क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इन्हीं को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था जी सेंटी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था जी सेंटी। अब बेटा अगर हम देखें तो सेंटी की जो वैल्यू होती है ना, ये यहाँ पे मैं इसको सिंबल से शो करने लगा हूँ, स्मॉल वाला सी नाम मैंने वहां पे इसके लिख दिए हैं। ये क्या है, सेंटी। तो सेंटी की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 10^-2। वो कितनी होती है, 10^-2। अगर वन हम लोग देखें तो हमारे पास था मिली, मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है 10^-3। और थर्ड वन पे था किलो, अगर बेटा किलो की हम देखें तो किलो की वैल्यू होती है 10^+3। और अगर हम मेगा की वैल्यू देखें, ये जो हमारे पास मेगा है कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10^6। और लास्ट वन ये जो हमारे पास गीगा लिखा हुआ है, गीगा को कैपिटल जी के साथ हम लोग डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10^9। इसी तरह जितनी भी एग्जांपल्स हैं प्रीफिक्सेस की टेबल के अंदर उनके सिंबल्स भी लिख दिए गए हैं और साथ में उनकी वैल्यूज भी लिख दी गई है। अब इनकी वैल्यूज के ऊपर अगर हम बात करें तो बेटा सेंटी की वैल्यू 10^-2, मिली की वैल्यू 10^-3, किलो की वैल्यू 10^3 आ जाएगी, मेगा की वैल्यू 10^6 आ जाएगी और गीगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10^9। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई है इससे क्या मतलब है, मींस जहां पर भी हमें कहीं सेंटी दिखाई देगा हम उसकी जगह 10^-2 लगा सकते हैं, जहां पर हमें मिली दिखाई देगा उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, 10^-3 लगा सकते हैं। अगर हमें जहां पर किलो दिखाई देगा उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, 10^3 लगा सकते हैं। मेगा दिखाई देगा तो 10^6, गीगा दिखाई देगा तो 10^9। इनका ऑपोजिट प्रोसेस भी पॉसिबल है, मींस आप इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सेंटी जहां पर भी दिखाई देगा उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, 10^-2।
और अगर हमें कहीं पर 10 रेज बार माइनस 2 दिखाई देता है तो हम उसकी जगह सेंटीमीटर ला सकते हैं, हम उसकी जगह सेंटीमीटर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है जी 1000 ग्राम, मेरे पास क्या लिखा हुआ जी 1000, यहां पे साथ में ग्राम लिखा हुआ है। अगर हम बेटा देखें तो साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में देखें तो ये जो मेरे पास 1000 है इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 10 रेज बार 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 रेज बार 3। अब ये जो 10 रेज बार 3 है बेटा, ये इसकी वैल्यू अगर प्रीफिक्सेस में जाके देखें तो किसके इक्वल है, किलो के, तो इसकी जगह फिर मैं क्या लगा सकता हूं, किलो लगा सकता हूं। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा 10 रेज बार 3 की जगह मैंने क्या लगा दिया, किलो। और अब इसको हम क्या रीड करेंगे, केजी, किलोग्राम। किलो क्या है, प्रीफिक्सेस। अगर आपने नोटिस किया होगा यहां पे ग्राम चेंज नहीं हुआ, ग्राम हमारे पास यूनिट है, मास का यूनिट है, कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, वैल्यूज प्रीफिक्सेस चेंज हो गई। 1000 अगर हमने लगा दिया तो उसको 10 रेज पर 3 भी लिख सकते हैं और साथ में 10 रेज पर 3 की जो वैल्यू है वो किलो के बराबर होती है, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया जी, किलो लगा दिया। तो ये किसके यूनिट बन गए हमारे पास, मास के बड़े यूनिट बन गए किलोग्राम। हमारे पास क्या बन गए जी, मास के बड़े यूनिट किलोग्राम। अब बेटा ये जो वैल्यूज हैं इनके बारे में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मेरे पास बेटा लिखा हुआ है ना 10 रेज बार माइनस 2, ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, इतनी ज्यादा तो नहीं है लेकिन छोटी वैल्यू है। अगर हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना चाहें तो यू लिखेंगे 0.01, इसको क्या लिखेंगे 0.01। और दूसरे वाली जो एग्जांपल है 10 रेज बार माइनस 3, इसको बेटा अगर हम लिखना चाहेंगे तो यू लिखेंगे 0.001। और अगर हम देखें किलो, तो किलो की वैल्यू कितनी है 10 रेज बार प्लस 3 है, तो मींस 1 के साथ 3 जीरो लगा दो, 1 के साथ 3 जीरो लगा दो। और अगर हम देखें मेगा की वैल्यू, तो बेटा मेगा की वैल्यू कितनी है 10 रेज बार 6, तो मींस 1 के साथ आप लोग 6 जीरो लगा दो। और अगर हम देखें लास्ट वन गीगा, तो गीगा की वैल्यू कितनी है 10 रेज बार 9 है, 10 रेज बार 9, तो बेटा इससे क्या प्राप्त होगा, इसके साथ आप 9 जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो मींस कि जो हमारे पास 10 रेज बार है इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कांसेप्ट लिया गया है, वहां से कांसेप्ट लेकर उसने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। वहां पे हमने देखा था कि साइंटिस्ट को प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी थी कि साइंस के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज भी आ जाती हैं, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो उनको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया था, 10 रेज बार जो है वो यूज की थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बता रहा है कि उन 10 रेज बार को आप सिंबल में भी यूज कर सकते हो, उन 10 रेज बार को हम सिंबल में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी प्रीफिक्सेस की वैल्यूज है, ये सारी की सारी प्रीफिक्सेस की वैल्यूज है, मीन जहां पर भी हमें कोई भी चीज दिखाई देगी हम उसकी जगह ऑपोजिट जो है वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंबल है तो उसकी वैल्यू भी लिखी जा सकती है, वैल्यू है तो उसका सिंबल भी लिखा जा सकता है, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। अब पूरे के पूरे टॉपिक को मैं दोबारा समराइज करने लगा हूं, देखिएगा जरा। सबसे पहले हमने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन को पढ़ा, अब मेरे साथ-साथ आप रिपीट कीजिएगा, प्रीफिक्सेस कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, कितने, टू वर्ड्स, वन क्या है प्री और सेकंड क्या है फिक्सेस, एक है प्री और सेकंड क्या है फिक्सेस। बच्चे प्री से क्या मुराद था, पहले, प्री से क्या मुराद था, पहले, फिक्सेस से क्या मुराद, मींस अनचेंज्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज ना कर सके, तब्दील ना कर सके, गैर मुतहरिक है। तो प्रीफिक्सेस से क्या मुराद होगा, ऐसी चीज जो पहले लगा दी जाए और चेंज ना हो सके, ऐसी चीज जो पहले लगा दी जाए और चेंज उसको ना किया जाए, मींस पहले अगर हम लगा दें उसको, किसी भी चीज के पहले लगा दें तो क्या होगी, प्रीफिक्स। ये सब हमारा अपने क्रिएटिविटी के लिहाज से कॉन्सेप्ट था। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो डेफिनेशन क्या थी इसकी, दी वर्ड्स और लेटर्स, the words or letters and till before SI unit, जो SI unit से पहले लगा दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, prefixes। इनकी examples को हम लोगों ने discuss किया, जैसा कि centimeter था, millimeter था, kilogram था, megawatt था, gigawatt था, ये जो centi है, ये milli है, ये kilo है, और ये mega है, ये giga है, ये सारी की सारी क्या है, prefixes लगा। और इसकी values भी हमने यहाँ पे discuss कर ली है, centi की value 10 raised power minus 2 होती है, मिली की वैल्यू 10 रेज बार माइनस 3 होती है, और किलो की वैल्यू 10 रेज बार 3
थ्री होती है, और उसके बाद अगर हम देखें तो जो मेगा है उसकी वैल्यू 10 रेज बार 6 होती है, और गीगा की वैल्यू क्या होती है 10 रेज बार 9। इसी तरह की बेंचमार्क एग्जांपल्स उसमें पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 के ऊपर टेबल नंबर 1.3 के अंदर बेंचमार्क एग्जांपल दी हुई है, वहां से जाके आप जो आपको अच्छी लगती है एग्जांपल्स वो आप लोग वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अब आप लोग परेशान हो गए, छोटा सा टॉपिक है, तो सर ने इतना लंबा इसको कैसे कर दिया, हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, बेटा ये जस्ट समझने के लिए था। अगर आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसको डिस्कस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट के अंदर या किसी भी बोर्ड के पेपर के अंदर आ जाता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, बेटा जस्ट दो चीजें आपने देनी है दो नंबर लेने के लिए। फर्स्ट वन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसको आपने अंडरलाइन करके बड़ा प्यारा सा प्रेजेंट करके प्रेजेंटेशन अच्छी से देकर आपने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स में आपने सारी की सारी एग्जांपल्स नहीं लिखनी, कोई सी तीन एग्जांपल्स आप लोग